पाबंदी से रोजे रखने। हदीस में आता है कि किसी शख्स ने अगर कोई एक रोजा बगैर किसी शरीयी उज्र के, शरीयी उज्र क्या हो सकता है, सफर या बीमारी, लिहाजा अगर किसी ने कोई भी एक रोजा बगैर शरीयी उज्र के छोड़ दिया फिर वो जिंदगी भर रोजा रखता रहे, उसकी बराबरी नहीं दोस्तों। लेकिन अब रोजा का महीना आने वाला है, रमजान मुबारक आने वाला है, हम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, हमें आखिर क्या करना है उसके इस्तकबाल में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? अव्वलन हमें अपने तमाम काम काज और हमारे जरूरी काम जो है वो हमें इस हफ्ते में निपटा लें, तमाम के तमाम काम निपटा लें, जरूरी काम जो बाहर के अंदर के जितने काम हैं, बाजार के जरूरी काम जो हैं वो हमें निपटा लेने, और हमें इस रमजान के महीने की खातिर खा लिहाज और रियायत करनी है, तवज्जो देनी है, और इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का महीना बनाना है। इस महीने में हमें अपनी ख्वाहिशात नफसानी को दबाना है, नफ्स को कुचलना है, और शरीयत का पाबंद होना है, और झूठ को, गीबत को, और जो दीगर गुनाह है उन तमाम गुनाहों से बाज आना है, और अपने नफ्स को इस बात का लाजिम बनाना है, काबू में करके इस बात का पाबंद बनाना है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के पाबंद हैं, और ऐसे ही बकिया 11 महीनों में हम पाबंद रहने वाले। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला वो बयान करते हैं कि रोजा सिर्फ भूखा रह जाना और खाने पीने को छोड़ देना और नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर देने का नाम नहीं है। रोजा तो यह है कि तमाम मुहर्रमात को, महारिम को, वो तमाम काम जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने मना फरमाए उन तमाम कामों से बाज आया जाए। कोई जिना करता है तो वो तोबा करे अल्लाह से, कोई शराब नोशी करता है तोबा करे रब से। ये महीना नरमी का महीना है, इसमें शैतान के असरात को ख़त्म कर दिया जाता है, शैतान को पाबंद जंजीर कर दिया जाता है, लिहाजा इंसान के लिए बदलना, उसको अल्लाह की तरफ रुख करना आसान उसके लिए हो जाता है। वो तय करे कि जितने भी मैं गुनाहों में, कबीरा सगीरा गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, वो आंखों का गलत इस्तेमाल करता है, वो जुबान का गलत इस्तेमाल करता है, चाहे झूठ के एतबार से करता हो, गीबत के एतबार से करता हो, तोहमत के एतबार से करता हो, इल्ज़ाम तराशी के एतबार से करता हो, और बहतान के एतबार से करता हो, मुख्तलिफ तरीके से वो जुबान का गलत इस्तेमाल करता हो, हाथ पाँव का गलत इस्तेमाल करता हो, कारोबार और माश का गलत इस्तेमाल करता हो, कारोबार गलत करता हो, झूठ पर मबनी उसका कारोबार हो या सूद पर मबनी उसका कारोबार हो, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को नरम फरमा देते हैं, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत बदलने का पूरा मौका देते हैं कि इंसान पूरा बदल जाए। ये महीना इंसान के बदलने का महीना, नफसानी ख्वाहिशात को दबाने का महीना है, नफ्स को अल्लाह के अहकाम का पाबंद करने का महीना है। ये महीना अपने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जान कर उस पर अमल करने का महीना है, या अपने नफ्स को कुचलने का महीना है, आंखों को पाबंद करने का महीना है, और ये महीना इंसान को नेकियां कमाने का महीना है। सीजन है मोमिन के लिए कि वो कितनी नेकियां कमाता है, और ये महीना कुरान का महीना है।